लोकसभा चुनाव 2019 के छठे चरण का मतदान 12 मई यानी कि आज 7 राज्यों की कुल 59 सीटों पर वोटिंग जारी है। जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें बिहार की 8, हरियाणा की 10, वहीं झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, यूपी की 14, पश्चिम बंगाल की 8 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सभी 7 सीटें शामिल है। छठे चरण में 12 मई को मतदान होगा। हालांकि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ न हो इसके लिए चुनाव आयोग ने कड़े प्रबंध किए हैं। उसके बाद भी इस तरह की कई जगह हिंसा देखने को मिली और ऐसी कई खबरें सामने आई है। बता दें कि इस चुनाव में ईवीएम मशीन के छेड़छाड़ को लेकर भी तमाम आरोप लगते रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव परिणाम 23 मई को आने हैं। लोकसभा चुनाव का 5वां चरण खत्म हो चुका है और आज 6ठे चरण का मतदान हो रहा है और ऐसे में 6ठे चरण के दौरान ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ईवीएम खराब हो जाता है तो कहीं ईवीएम गायब तो कहीं ईवीएम में गड़बड़ी की भी खबरें सामने आ चुकी है। बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां उनके खिलाफ भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव नेहरुआ मैदान में है। उन्होंने इस सीट पर बूथ कैप्चरिंग के कोशिश का आरोप लगाया है। बता दें कि चुनाव आयोग को लिखे गए पत्र में अखिलेश ने शिकायत की है कि आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से आ रही ईवीएम गड़बड़ी, पीठासीन अधिकारियों की मनमानी और बीजेपी नेताओं की दबंगई की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई कर आयोग निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करे। बता दें कि आजमगढ़ में कुछ असामाजिक तत्व बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि विधानसभा क्षेत्र सगरी और विधानसभा क्षेत्र मेहननगर में शरारती तत्व मतदान प्रभावित कर सकते हैं। इस पत्र में सगरी के 5 मतदान केंद्र और बूथ संख्या के विवरण देते हुए अखिलेश ने शिकायत पत्र में लिखा है, कुछ असामाजिक तत्व साजिश करके बूथ कैप्चरिंग और मतदाताओं को भयभीत करके मतदान करने से रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ दल के पक्ष में सरकारी मशीनरी की शाह पर बूथों पर कब्जा करने की साजिश है। आपको बता दें एसपी अध्यक्ष ने वोटिंग के एक दिन पहले ही बीजेपी पर आजमगढ़ में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग को भेजे गए ज्ञापन में एसपी ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ दल की शाह पर प्रशासन के कुछ अधिकारी वोटरों को डराने धमकाने के हथकंडे अपना रहे हैं। एसपी का आरोप है कि पुलिस गांव-गांव में एसपी के समर्थक ग्राम प्रधानों बीडीसी जिला पंचायत सदस्यों को प्रताड़ित कर रही है। एसपी समर्थकों पर दबाव डाला जा रहा है कि वे बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालें। एसपी का कहना है सैकड़ों कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उत्पीड़न की कार्रवाई में उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।